तो गाइस चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्लैब लिया है मिट्टी का, उसके ऊपर गैस बनाएंगे। तो मैंने गैस बनाने के लिए छोटा सा रेक्टेंगल शेप में मिट्टी को यहाँ पे रख दिया है और उसके ऊपर गैस स्टोव बनाने के लिए रोल कर देंगे एक मिट्टी से। देखिए दूसरे साइड भी ऐसा बना लेंगे। और फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीका आपको बताया है इसमें, तो आप देखिएगा। देखिए मैंने यहाँ पर लाइन भी खींच दिया है जिससे कि गैस में रियल वाला लुक आ जाए। आप अपने मन से चूल्हा भी बना सकते हो यहाँ पर अगर आपको ये वाला मूर्ति बनाना हो। आप ये बनाकर मदर्स डे पे गिफ्ट दे सकते हो अपनी मम्मी को। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसका बटन भी लगा दिया है दो। बहुत ही आसान तरीके से मैंने गैस बना दिया और उसके ऊपर एक मटका भी रख देंगे। मटका भी बहुत ही आसानी से बनाया था मैंने, बस गोला सा लेकर के ऊपर रख दिया था, बस बन गया मटका। और एक पीढ़ा बनाएंगे, पीढ़ा के ऊपर दो पैर रख देंगे। देखिए बस ऐसे ही मिट्टी से बस थोड़ा सा रोल बना के रख देना है और पीछे बॉडी अटैच कर देंगे मिट्टी लगा कर, और बॉडी पे थोड़ा डिटेलिंग कर लेंगे चेस्ट वगैरह पर। देखिए मैंने यहाँ पर डिटेलिंग कर लिया है। अब नीचे की तरफ साड़ी बनाएंगे, तो साड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिट्टी ऐड किया है कुछ इस प्रकार से, और इसे अच्छे से पानी लगा कर फैला देंगे। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से फैला देना है। अब हम लोग मिट्टी थोड़ा सा ऊपर ऐड करेंगे ताकि ये बैठी हुई दिखे। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी को थोड़ा सा ऐड कर करके उसके ऊपर पानी लगा कर अटैच कर दिया है। इसके ऊपर अब हम लोग फोल्ड बनाएंगे जैसे साड़ी में मुड़ा मुड़ा रहता है नीचे से ऊपर से, तो उसके लिए मैंने पतला पतला कॉइल का यूज किया है। देखिए पतला पतला कॉइल को पहले लगा देंगे नीचे की तरफ फॉल बनाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स अच्छे से पानी लगाकर आप साफ कर लीजिएगा ताकि अच्छे से मिट्टी में फिनिशिंग आए। अब हम लोग इसके ऊपर फोल्ड बनाने के लिए मिट्टी ऐड करेंगे। देखिए मैंने बस थोड़ा सा मिट्टी ऐसे लंबा लंबा ऐड कर देना है, आपको अपने मन से कहीं भी ऐड कर दीजिएगा। बाद में पानी लगाकर आप क्लीन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, रियल वाला लुक आ जाएगा। देखिए ये मूर्ति बनाने का खासियत होता है कि मिट्टी में जब फोल्ड बनाने के लिए आप पानी लगाकर करेंगे तो आपका मूर्ति में खासा रियलिस्टिक लुक आ जाता है, आप देख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर एक कमर के नीचे भी लगा दिया था ताकि उनका जो ऊपर वाला दुपट्टा होता है वो नज़र आए। अब हम गला ऐड कर देंगे और इनका फेस मैंने मोल्ड से बनाया है, आपको सीखना है मैंने कैसे बनाया है, तो आप इसके ऊपर अलग से वीडियो मैंने बना दिया, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर फेस को अटैच कर दिया था मिट्टी लगाकर। अब हम लोग हाथ लगाएंगे, हाथ भी बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है, और आगे वाला भी हाथ लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स इतना अच्छा है, हाथ बन गया एकदम सिंपल में। अब हम लोग पीछे के तरफ साड़ी का दुपट्टा लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर सर पे दुपट्टा ऐसे पीछे से लगा दिया है बहुत ही आसान तरीके से, देख सकते हो फ्रेंड्स आप। यहाँ पर ब्लाउज भी मैंने बना दिया है, देखिए कितना आसान तरीके से कपड़ा का ब्लाउज बन गया है। इसमें बहुत ही आसानी से आपका बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा क्योंकि मैंने भी इसे खुद ही 2 घंटे में बनाया था। अब हम लोग बाल को अटैच करेंगे। अब हम लोग चूड़ी बनाएंगे, चूड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी ऐड करके उसके ऊपर रोल लाइन खींच दिया था। अब हम लोग इनका चौका बेलना बनाएंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा मिट्टी का रोल शेप में ऐड कर दिया था, और बेलना बनाने के लिए मिट्टी का लंबा सा कॉइल देखिए कुछ इस शेप का, और एक थाली बना देंगे बहुत ही आसान तरीके से, और इसके ऊपर लड्डू रख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लड्डू रख दिया है ताकि खाने का लुक आए। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में इसे कलर करके दिखाऊंगा, तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। और देखिए गैस पे एक तावा भी रख दिया है। देखिए इसका फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और यहाँ तक आ गए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।